शिवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन की मॉडल टाउन में मुलाकात हुई है। वाह, सीट एडजस्टमेंट पे इत्तफाक राय। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे इलेक्शन जो हैं करीब आते जाएंगे, ऐसी खबरें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी इस नौयत की भी कि हो गई है, और इस नौयत की कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हुई। और ठीक है, वेरी गुड, लेकिन आपको पता तो चल गया होगा इसी खबर से कि बात किस तरफ जा रही है। बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा हो रहा है। इसमें एक और भी आप ऐड कर लेना कि चौधरी शुजात की और नवाज शरीफ की भी मुलाकात हुई। बिल्कुल। अच्छा, अब नून लीग एक तरफ पोस्चरिंग कर रही है कि जी वो तो आ गई हुई है हुकूमत में, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हुए हैं, पोस्चरिंग तो ये हो रही है। दूसरी तरफ सीट एडजस्टमेंट्स चल रही हैं, और आपको पता है मियां साहब जो हैं उनको जानते हैं, पुराना मतलब देखते हैं, तो जब मियां साहब होते हैं ना बहुत कॉन्फिडेंट, तो वो बदीद हो जाते होते हैं। ठीक है, वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करते, वो कहते हैं देखो तो सही। हाँ, सो अगर वो ये सब कुछ हो रहा है ना, जाहिर है कहीं से प्रेशर भी होगा, लेकिन बात ये है कि इसका मतलब है कि इतने कॉन्फिडेंट वो नहीं है। थोड़ा डर का एलिमेंट है बीच में। बिल्कुल, थोड़ा डर का एलिमेंट है, बाकी जाहिर है चौधरी शुजात से भी मिले और पीपल्स पार्टी अपनी तौर तरीकों से चल रही है। लेकिन मुझे ये बताएं, अभी भी ये चंगोइयाँ हो रही हैं और ये बात हो रही है कि कुछ लोग जो हैं जो इलेक्शन ना कराने के जो एंथुजियास्ट्स हैं वो कह रहे हैं इसी तरह ठीक है, इसी तरह चलता रहे। और जो कि मुझे यकीन है ज़्यादातर पीटीआई के फॉलोअर्स हैं कि जी अगर हम नहीं तो और कोई नहीं, तो वो केयर टेकर सेटअप से खुश हैं और वो चाह ही रहे हैं शायद कि जी अगली अक्टूबर तक बात चली जाए, जो कि मेरा अपना ख्याल है कि ऐसे नहीं होगा। ये सारी जो चीज़ें जो आप अगर अखबार रेगुलरली पढ़ना शुरू करें आपको वैसे ही समझ आ जाएगी कि जो चीज़ें हो रही हैं, अब इलेक्शन ECP ने अब अगले हफ्ते अनाउंस कर देना है कि जी ये आपके इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। जब शेड्यूल आ गया, जब हल्का बंदियों पर मेरे ख्याल में 2-3 लोगों ने एतराज़ किया है, जिसमें शायद ख्वाजा साद रफीक भी एक थे, तो उसके अलावा कोई ऐसा बैकलैश हल्का बंदियों का भी नहीं आया, तो इलेक्शन तो हो रहे हैं। देखिए, जो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है ना कि इलेक्शन ना हो, वो PTI की नहीं है, वो केयर टेकर सेटअप की है। लेकिन ये जो एक तासर है ना कि जैसा चल रहा है चलता रहने दें, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जो झूठ नहीं बोलती, और वो है नंबर। सो ये ऐसा चलता रहेगा नहीं, इसने होना है खराब, और इसीलिए जो ताकत रखते हैं वो चाहते हैं कि कोई और आके उसकी जिम्मेदारी ले खराबी की, हम पे क्यों आए। और लंबा केयर टेकर सेटअप का मतलब है जितने इस वक्त गुजरा हैं उनको अगर ज्यादा देर आपने कुर्सी पे बिठा दिया और उनको उसकी आदत हो गई, तो ये भी सब बहुत मुमकिन है वो कहे जी हमने नहीं जाना, उनको खींच के आपको ले जाना पड़ेगा, और उस खींचने का एक ही तरीका है कि आप इलेक्शन कराएं। बिल्कुल। और वैसे भी मैं आपको एक बार बताऊं कि जो हमारा केयर टेकर सेटअप है ना, इसका जो लोग हिस्से हैं, इनको आप 7.5 साल भी अगर यहाँ पर रखेंगे, जिस दिन निकाला इन्होंने सबसे पहले जमहूरियत पे आपको लेक्चर देने। अच्छा, फिर वो जो एक मजेदार मीटिंग हुई, वो मजेदार इसलिए थी कि मियां साहब को 15 साल बाद चौधरी शुजात से मिले, तो लेकिन ये था कि जो जरदारी साहब जब आते होते थे ना लाहौर, जिन दिनों में पंजाब असेंबली का मसला चल रहा था, तो उसमें जो इनकी मीटिंग होती थी ना कि दोनों लेजी बॉयज पे ऐसे लेट के पैर ऊपर करके रिलैक्स, वो है मीटिंग, ये इसका ना मजा नहीं आया। आप वैसे भी बैठने के खिलाफ हैं। मैं देखें, ये तो साइंस प्रूव कर चुकी है कि बैठना मुजरे सेहत है, आपसे बेहतर है लेट जाओ। बिल्कुल, पूरी दुनिया में स्टैंडिंग डेस्क आ रहे हैं, वैसे तो स्टैंडिंग पोजीशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, आपने यहाँ चलते फिरते रहना है, यहाँ आपने लेट जाना है। लेकिन अगर ऑप्शन है बिटवीन सिटिंग एंड स्टैंडिंग, देन स्टैंडिंग इज बेटर। बिल्कुल। और लेइंग डाउन एंड स्टैंडिंग इज बेटर, बट ऑफ कोर्स वॉकिंग इज। अब देखिए, लेट के शो तो नहीं हो सकता। सर बिल्कुल हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिद्दत के लिए हम बार का लाउंज यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, जिद्दत लेके आनी है, ये जो हमारे 70 TV चैनल्स है ना, जो एक ही चीज मंजन बेच रहे हैं सारे, ये कितना अरसा बिकेगा, ये नहीं हो सकता, आपको जिद्दत लानी है। पहला मेरा आइडिया मैंने आपको दिया था कि यहाँ और इधर लाइव डांस चल रहा हो। दूसरा मैं आपको आइडिया देने लगा हूं, और वो ये है कि बेड लगाओ, कैमरे हो छत के ऊपर, हम लेट के तजिया कर रहे हो, तजिए में भी एक ना ठहराव आ जाएगा, तजिए में आपकी बासियां भी आ जाएंगी, आप करवटें भी आ जाएंगी। वाह, एक पोजीशन में लोग देख देख के ना आपको थक जाते हैं, आप देखें कि आप यूं करके कॉम से खिताब कर रहे हैं और एकदम से आपने मुंह उधर कर लिया, आपका सोलो जो है फिर मुंह उधर कर लिया, हाथ रख लिए यहाँ पे, वहाँ सोलो कटेगा आपका, क्या बात है। वैसे थैंक यू फॉर दोस रिकमेंडेशंस, हम उनको बहुत विल सीरियसली कंसीडर देम प्लीज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।